हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुछ दिवाली क्राफ्ट, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्राफ्ट है उसमें मैंने इस तरह का कुल्हड़ यूज किया है और इसे मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 4 कुल्हड़ यूज किए हैं। पेंट करने के बाद मैं इसके दोनों तरफ एक एक होल बना दूंगी। आप इसमें कलर करने से पहले भी होल बना सकते हैं। उसके बाद जब व्हाइट एक्रेलिक कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसे कलर कर दूंगी। मैंने 4 कुल्हड़ के साथ साथ 3 बाउल भी लिया है, तो उसे भी पहले मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूंगी और उसके बाद उसे भी डिफरेंट कलर से पेंट कर दूंगी। कलर हो गया कम्प्लीट। तो अब मैंने गोटा वाली जो लेस आती है वो ली है और उस लेस से जो हमने कुल्हड़ में होल किया है उससे मैं एक एक करके इसे बांधती जाऊंगी। क्योंकि मैंने दोनों साइड इसके होल किया है तो मैं जब एक साइड से इसे बांध लूंगी तब दूसरे साइड भी इसी तरह से गोटा वाली लेस लगा के उसे बांध लूंगी और ऊपर वाले साइड पे दोनों लेस को एक जगह करके एक गांठ लगा लूंगी और थोड़ा सा उसके ऊपर एक गांठ लगा के मैं इसे हैंग करने के लिए जगह बना लूंगी। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसे बांध दिया है और आप देखिए कि मैंने इसे हैंग करने के लिए भी जगह बना लिया है। तो हम इसे कुछ इस तरह से हैंग करेंगे। आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा क्राफ्ट बनाएंगे और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लेस का यूज किया है। तो ये इतने सारे लेस मेरे घर में पड़े हुए थे तो मैंने इसी का यूज कर लिया। सबसे पहले देखिए कि हम एक लेस के ऊपर ये नीचे में इस तरह का लेस या तो ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे या फिर इसमें सिलाई कर देंगे। मैंने इस पे सिलाई कर ली है और ये देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेस जोड़ देंगे और देखिए जोड़ने के बाद ये इतनी चौड़ी पट्टी तैयार हो गई है। तो देखिए, मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है और इस कपड़े से जो इस पे डिज़ाइन बनाई हुई है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम एक एक करके इसके ऊपर इसे रखते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे हमने इसे रखा है वहाँ वहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे चिपका देंगे। तो देखिए, इस तरह से चिपकाने के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम इसके किनारे पे गोटा वाली जो लेस है वो थोड़ा सा लगा देंगे इसे हैंग करने के लिए। और बस ये हो गया है तैयार। अब हम इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही इजी। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और ये देखिए कि बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। हम इसे अपने मेन डोर या घर के किसी भी डोर पे इसे हैंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं अपना तीसरा क्राफ्ट और उसे बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद मैं उसे मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर दूंगी। उसके बाद हम इसे व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे और जब हमारा व्हाइट एक्रेलिक कलर सूख जाएगा तब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट शेड में कलर कर देंगे।
और उसके बाद हम कोई भी पतली सी लैस लेंगे और उस लैस को इसके किनारे पे चिपकाते जाएंगे। चिपकाने के लिए आप ग्लू गन की हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी भी ग्लू से इसे चिपका सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। इसे चिपकाने के बाद हम गोटा वाली लैस लेंगे, कुछ मोती लेंगे और जो गोटा वाली लैस है उसमें कुछ मोती डाल के इसे हम क्या करेंगे कि उस पर एक एक करके चिपकाते जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसे चिपकाना है। इसे भी चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन की हेल्प ली है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसे सेलो टेप की हेल्प से चिपका सकते हैं। सबसे पहले आप लैस पे थोड़ा सा ग्लू लगा के उसे कुछ देर के लिए रख लें ताकि वो थोड़ा सा चिपक जाए, और उसके बाद उसके ऊपर से आप सेलो टेप लगा सकते हैं। उसके बाद हम 3D आउटलाइनर लेंगे और उस आउटलाइनर से इस पे हम शुभ लाभ स्वास्तिक ओम जो भी अच्छा लगेगा उसे हम लिख लेंगे। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो आपके घर में पाउडर तो ज़रूर होगा। आप पाउडर में थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करें और उसे एक कोन में भर के आपको जो भी लिखने का मन है उसे आप लिख लीजिए। जब वो सूख जाएगा तो उसे कलर कर दें, या फिर जब आप पेस्ट तैयार कर रहे हैं उसी समय उसमें कलर डाल दीजिए, उसे कोन में भर के और फिर उसे लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपको ये तीनों क्राफ्ट बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा क्राफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।